देखने को मिला, आई बिलीव वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बट ये लीजिए, तो आप लोग कुछ बेहतरीन स्पिन लेंगे। गॉडल के ज़िगोर्ड ने यहाँ पे फोकिंग के म्यूज ओजी को कुचल दिया है व्हीकल से, तो टीम गॉडल भी एक्शन में कहीं ना कहीं आते हुए हमें नजर आ रही है। वहीं पे टीम सोल की बात की जाए, ओमेगा, हेक्टर, अक्षत, गॉबलिन फिलहाल के लिए फोर मैन स्ट्रॉन्ग हमें जरूर से नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ज़िगोर्ड फिलहाल के लिए फोकिंग के सीक्रेट को ये भी 45 के साथ टेक डाउन करेंगे। टीम गॉडल इज बैक इन एक्शन एंड म्यूज ओजी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। नियो पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे सीक्रेट को, तो कहीं ना कहीं दो से तीन फिनिशर्स यहां पे नियो के तरफ से अननोन को टेकडाउन करते हुए वहां वो स्प्रेस चलेंगे जो कि अननोन को टेकडाउन कर देंगी। ज़िगोर्ड विद अ ग्रेन अननोन का कंफर्मेशन निकाल लेंगे। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टीम माइट भी हो सकता है कि इस पूरी की पूरी फाइट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ सकती है। रेकनिंग के प्लेयर्स को टेकडाउन किया था बार बार लगातार, अब यहाँ पे फिनिशर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कंफर्मेशन निकाल सकती है। बट ये जो ग्रेनेड थी ये काफी क्लोज थी, मुझे लगा था कंफर्मेशन आएगा। अल्ट्रॉन वो ब्लीड आउट हो जाएंगे, तीन प्लेयर्स यहाँ पर अभी बचे हैं जरूर टीएक्स के, बट सेंस से लिटिल जिनो के प्लेयर ऑलरेडी ओके ही नहीं हूं। एंड पीछे द फियर्स बैटल जो एक बहुत बढ़िया कवर प्रोवाइड करेंगे सेंसी की तरफ से, वो जो ग्रेड चलेगी वो यहाँ पे कंफर्मेशन का काम कर देगी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सो के पास तीन फिनिशर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन एक को गवाया भी है, इमॉर्टल को यहाँ पे गवाना पड़ा है। टीएक्स दो प्लस के साथ अभी भी बची है। इन शुरुआत में देखने को मिल रहा है गॉडल बबली यहाँ पे काफी बेहतरीन स्प्रे लेके बीबी के डैडी को पिक अप के टीम ब्रेक प्लस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। बैक टू बैक काफी बेहतरीन स्प्रे काफी प्रोग्रेस अपने कवर स्पॉट के देगा। थर्ड पार्टी का मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट वाज व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट टीम गॉड लाइक यहाँ पे छह फिनिशर्स पॉइंट के साथ नजर आ रहे हैं जरूर से। अब यहाँ पे वन नॉक पुश देखने को मिलेगा टीम स्काईलाइज के प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। पुकार करना पर दोनों को पिक ऑफ कर दिया। सोमराज ट्राइंग टू होल्ड दिस फाइट, थोड़ा सा प्रेशर कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा आसान होने वाला है। डायरेक्ट पुश इन, ये टीम गॉडलाइक है जिस अग्रेशन के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ग्रेनेड टॉस करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं लेकिन क्या निकलने का मौका, आई डोंट थिंक क्लच गॉड इज गोना गो फॉर द स्प्रेस। काफी बढ़िया कनेक्शन, बट वो जो ग्रेनेड थी उसने एक्चुअली कनेक्शन ढूंढ लिया, दो प्लेयर्स को टेक डाउन कर चुके हैं। अब यहाँ से मौका है बड़े प्यार से कंफर्मेशन निकालने का, वो कंफर्मेशन आ भी जाएगी। गॉड लाइक नो फिनिशर्स हो चुके हैं, दे आर कनम डोमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर मैप, बट सोमराज उनकी लोकेशन में रिवील थे, स्प्रे डाउन किया जाएगा उनको भी पब्लिक की तरफ से, और इसका मतलब 10 फिनिशर्स गॉड लाइक 13 टीमें अभी बची हैं। स्प्रेज वापस आ चुके हैं यहाँ पे, कनेक्शंस जो कि आ रहे हैं गॉड तरफ से। नियो हैविंग द एयूजी काफी बड़े इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लुक एट द एचपी इज बेयरली ब्रीथिंग ऑन द डॉट। एचपी काइलो एक मिनट के कनेक्शन पर नॉकआउट किया सकता है, अगर ये नॉकआउट आता है जी हाँ बिल्कुल। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे तो हेक्टर की तरफ से बेहतरीन स्प्रेस जो कि फोकिंग के थॉर को भी कंफर्म करते दिखेंगे। एक और टीम बाहर जा चुकी है, इसका मतलब नाउ बीइंग दैट सोलो प्लेयर शाइनिंग फॉर हिज टीम, लोटस पिक स्मोक पाथ जरूर से क्रिएट करेंगे। द सर्वाइवल वन ऑफ प्ले दैट क्रूशियल रोल एंड यहाँ पे रिवाइवल, एक इंस्टेंट रिवाइवल देते हुए नजर आने, बट सरप्राइज अटैक यहाँ पे ये हो सकता है कि वहां पे टीम ऑगलेस 5 को जोन में आने नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक ब्रॉल इज स्टिल ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू गेट दैट इजी फिनिशर्स पॉइंट इन देयर बैकपैक। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए अगर बात करेंगे तो आपको नियो के सबसे बेहतरीन स्प्रे दिख रही है, साथ साथ क्लच गॉड भी यहाँ पे नॉकआउट निकालने वाले हैं। रेकनिंग प्लेयर 3 कब तक बच पाएंगे, बिकॉज पूरी की पूरी टीम की नजर इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। ऑगलेस 5 ऑन दी अदर साइड, सर्कल का डैमेज देखी पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट दिखेगी, बट विद द ग्रेनेड दैट वाज क्वाइट अमेजिंग ग्रेनेड आई वुड से, क्योंकि उस एक ग्रेनेड ने पूरी तरीके से यहाँ पे काम खत्म कर दिया, पूरी पूरी टीम यहाँ पे ऑब्लिटरेट कर दी। नाउ 7 टीमें 16 खिलाड़ी बचे दिख रहे हैं, गॉड लाइक जस्ट लुक एट देम 15 फिनिशेस। क्या हो रहा है जिस टीम को, मतलब हमें पता है गॉडलिक बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव टीम है, बट ये एग्रेशन एक अलग लेवल पे जा रहा है। सोल को भी एलिमिनेट कर देंगे, ग्रेनेड से ही क्लच चल रहा है। ओके जस्ट लाइक दिस, क्लच गॉड के हाथ में पैन था, क्लच गॉड के हाथ में पैन था, क्लच गॉड ने अंदर जरूर रखा, बट मैंने देख लिया इसका मतलब समझ सकते कि क्या हो सकता था। बट एक्चुअली ज़िगो ओके, व्हाट वाज दैट, स्पॉट भी कर दिया, स्प्रे भी कर दिया और फिनिश भी कर दिया, इतना प्लेइंग ऑफ आई 18 फिनिशेस, क्या होने वाला, क्या यहाँ पे 20-22 फिनिशर्स में एक चिकन ना दिखेगा, क्योंकि रेवेनेंट के प्लेयर्स के ऊपर भी एक्यूरेट स्प्रे चल रही है। जस्ट लुक एट दिस सर्कल, पूरे तरीके से सर्कल गॉड लाइक को फेवर कर रहा है। Well, यहाँ पे टीम गॉड लाइक सर्कल फेवर जरूर करेगा, आई बिलीव लक फेवर्स द ब्रेव, एंड जितनी ब्रेवरी टीम गॉडल दिखाते नजर आ रही है दैट इज जस्ट फैंटास्टिक टू वर्क आउट। आई एम काफी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा था शुरुआती पे, मैंने कहा था सरदार जी अगर आपको याद हो, टीम गॉडल अब यहाँ पे सिर्फ फिनिशर्स पॉइंट नहीं, फिनिशर्स पॉइंट के साथ प्लेस पॉइंट में निकालते हुए नजर आएगी। 18 फिनिशर्स पॉइंट का डोमिनेशन विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर, मतलब मैं क्या ही बोलूं, एक नेक्स्ट लेवल का डोमिनेशन नजर आ रहा है यहाँ पे टीम गॉडल की तरफ से। नियो ईएसएन के पार्क
की तरफ क्लोजिंग करेंगे, बैक टू बैक ग्रेनेड्स देखने को जरूर से मिल रहा है। लेट्स सी कि ये ग्रेनेड क्या कनेक्शन बना पाएगा नियो का यहाँ पे स्मोक पाथ के आर्टिफिशियल कवर। दूसरी तरफ जोन के दूसरे साइड बाकी तीन प्लेयर्स देखने को नजर आ रहे हैं, 3v1 का स्प्लिट, नियो एक अलग एंगल होल्ड करते हुए जरूर से नजर आएंगे। फाइनली दैट वाज एन गोल्डन आर्म ग्रेनेड फ्रॉम नियो, पाथ को टेक डाउन कर दिया गया। देखते ही देखते उन्होंने फिनिश पॉइंट टॉप 10, टॉप 4 टीम्स, टॉप 10 अलाइव प्लेयर्स जहां पे टीम गॉट लाइक 4 मैच फ्रॉम नजर आ रही है। ऑस्टिन बॉक्स हैज टेकन डाउन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के नकुल को एंड जोकर अब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर यहां पे सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड की तरफ से हीरो के प्लेयर्स को बिटडाउन किया जा रहा है एंड जस्ट कहते हैं हीरो के गॉड का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। 21 फिनिशर्स हो चुके हैं, पैराडॉक्स को भी स्पॉट करेंगे, उनको भी टेक डाउन करेंगे। तीन टीमें बची हैं, 6 खिलाड़ी बचे हैं, एक के बाद एक लगातार प्लेयर्स का कंफर्मेशन आ रहा है। सर्कल के बाहर एक प्लेयर थे जिनको आगे बढ़ के जी गॉड ने सर्कल के बाहर जाके मारा। जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट